दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है भेड़िया। दोस्तों इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अजय देवगन, राहुल राय, पूजा भट्ट, अनुपम खेर, मुश्ताक खान और टॉम अल्टर जी। दोस्तों इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर थे महेश भट्ट जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुकेश भट्ट जी। तो दोस्तों अब बात करें इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट की, तो डायरेक्टर महेश भट्ट जिन्होंने मार्शिंग यानी इमेज चेंजिंग इफेक्ट को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी सक्सेसफुल मूवी जुनून में किया था। और जुनून मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद महेश भट्ट जी ने भेड़िया नाम की अपनी एक और मूवी बनाने का फैसला किया था, जिसमें उन्होंने नेवर सीन बिफोर लीडिंग एक्टर यानी अजय देवगन और राहुल राय जी को एक साथ साइन किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही बड़े ही दमदार किस्म के एक्टर हैं, जहां इन दोनों की पर्सनालिटी डायलॉग्स बड़े ही शानदार रहे हैं। और मेरे हिसाब से इस तरह के सब्जेक्ट के लिए अजय देवगन और राहुल राय जी बिल्कुल परफेक्ट थे। और इसके अलावा बात करें फीमेल एक्ट्रेस की, तो इस मूवी में हमें पूजा भट्ट जी दिखने वाली थी, जो इस कास्टिंग के साथ काफ़ी हद तक सूटेबल दिखाई देती हैं। और देखा जाए तो ये बात है साल 1994 की, जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था और उसी साल इस मूवी की शूटिंग का भी आगाज किया जाना था, लेकिन फिर इस मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले ही किसी अनाउंस रीजन की वजह से बंद कर दी गई। और मेरे ख्याल से भेड़िया मूवी भी अगर उस टाइम पर बनकर रिलीज होकर आ जाती तो जुनून मूवी से भी ज़्यादा मेकर्स को अच्छा रिस्पॉन्स दिलवा सकती थी, मगर मेकर्स ने शानदार आइडिया को वेस्ट कर दिया और ऐसे ही एक रियल एक्शन एडवेंचर फिल्म बनते बनते रह गई। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि अजय देवगन और राहुल राय जी की अगर ये भेड़िया मूवी उस टाइम पर बनकर रिलीज होकर आ जाती तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होती, सुपर हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हों, इस प्रकार के वीडियो आगे भी देखना चाहते हों, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।